एक तो किस्मत की मारी, ऊपर से पुलिस से हारी, न्याय के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई बेचारी। एक लाचार विधवा महिला जिसका रो रो कर बुरा हाल है, बेटी अस्पताल में है और माँ को पुलिस थाने से बेइज्जत कर भगा दिया गया है। ससुराल वाले हैं जिन्होंने पति के मरने के बाद महिला से सारे नाते तोड़ लिए हैं। बेसहारा लाचार महिला आखिर न्याय की गुहार लगाए तो किससे? जब कोई रास्ता नहीं सूझा तब महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का रास्ता अपनाया। यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए उसके दर्द की इस दास्तां को। क्या मामला है पूरा मुझे बताइए आराम से। हमारी शादी हुई थी यहाँ देवे से, ये हमारी मौसी है, ठीक है, कोई बातचीत नहीं थी। अभी हमारे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट में, 2 महीने की बेटी हमारी पेट में थी, हमारा हस्बैंड खत्म हो गए। अभी हमारी 6 महीने हो गए थे शादी के, 2 महीने की बेटी पेट में थी हमारी। जी, कोई भाई बातचीत कुछ भी नहीं थी। समझ लो जब से हमारे मियां खत्म है भाई, हमारे ससुराल वालों ने हमको खून के आंसू रुलवा लिए, ऐसा वैसा भाई नहीं रुलाया, बहुत कहते थे रुलवाया हमको। नाम क्या आपका? नाम क्या है? गुलाब श्याम भाई। हम थाने पे गए थे, हम अपनी शिकायत लेके कि भाई हमारी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, चलिए कुछ ज्यादा मतलब नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही करते, थोड़ा बहुत हम अपना जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल से ले आए। तो थाने पे वहाँ पे दरोगा साहब और वहाँ पे जितने लोग स्टाफ में थे सब हमने को कह दिए, कहने लगे नौटंकी करती हो, ये है वो है वो भी। कौन से थाने पे? थाना कोतवाली देवा। देवा में कौन मतलब देवा में किसने आपसे ये कहा कि नौटंकी करती हो? सिपाही वागे दरोगा साहब हमको बहुत जल्दी करके निकाल दिए, कहने लगे ज्यादा कुछ कर लो, उनका कुछ नहीं होगा, ये है वो। पूरा वाक्य है थाना देवा इलाके के देवा कस्बे का, जहाँ की रहने वाली गुलाब शाह की शादी साल 2018 में हुई थी। शादी के 3 माह बाद उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद नंदोई उस पर बुरी नजर रखने लगा था। ससुराल वालों ने भी उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2 माह बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। पिछले दिनों जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब लाचार माँ ससुराल वालों से इलाज के पैसे की मांग करने पहुंची तो उन लोगों ने बेटी को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। निराश होकर वह देवा पुलिस के पास न्याय के लिए पहुंची। आरोप है कि वहां मिले नियाज नाम के एक सिपाही ने उससे अभद्रता की और कहा मेरे घर चलो, इलाज का पैसा मैं दे दूंगा। रोते बिलखते वह थाने से लौट आई और इस कड़ाके की ठंड में पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने का निर्णय ले लिया। महिला 4 घंटे से ज्यादा तक टंकी पर चढ़कर ठिठुरती रही। वहीं बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम की सूझबूझ से महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है। पारिवारिक विवाद से क्षुब्ध होकर के महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, उसको समझा बुझा करके उतार लिया गया है और महिला की बच्ची लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट है। ये अपने सास ससुर से पैसे की मांग कर रही थी बच्ची के इलाज हेतु, और उनके सास ससुर द्वारा जितनी धनराशि की मांग की जा रही थी वो नहीं दिया गया। इस संबंध में महिला जो है पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल नियाज से भी संपर्क की थी और महिला का कहना है कि हेड कांस्टेबल ने उनकी समस्या को ठीक तरीके से नहीं सुना और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में जो है पूरे प्रकरण की जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और महिला का पारिवारिक विवाद है और एप्लीकेशन प्राप्त करके संपूर्ण प्रकरण की जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी भारत के लिए बाराबंकी से श्रमण चौहान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।